यहाँ पर ही आते हैं बाबा का घर में, आपका जो परेशानी है यही सब का लेके आते हैं बाबा के पास। हिंदू मुस्लिम बनाने वाले एक ही है, सिंपल एज दैट। जो क्रिश्चियन है वो भी अल्लाह भगवान और जीसस या जो भी बोलते हैं कि गुरुद्वारा में जो जाता है, भगवान एक ही है। आई डू बिलीव इन दैट वे। यहाँ पर ही आते हैं, ये जो बाबा जो है बहुत जागृत पीर है, इनका हो गया आपका 263 बरस। ये आपका जो ये यहाँ पर इधर पकड़ लेता हम, यहाँ मिनिमम आपका 35 इयर्स है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो कलकत्ता का पॉपुलर जगह है मोलाली, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोलाली का जो पॉपुलर मज़ार है मोलाली मज़ार, उसके सामने ही हम खड़े हैं पीर बाबा का मज़ार। आपको बता दें यहाँ पर मुस्लिम लोगों का एक अपनापन होता है, एक आस्था होता है, वो लोग आते हैं, वो लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं इसको, पीर बाबा का जो मज़ार है बहुत सारे लोग मानते हैं, अपना है, अपनेपन से आते हैं, अपना बहुत सारे मन्नतें मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ये भी देखा जा सकता है कि हिंदू लोग भी, बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग भी हैं जो लोग इधर आते हैं। हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदू हैं, वो लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होने की आस्था रखते हैं। लेकिन हिंदू लोग क्यों आते हैं, क्या आस्था है उन लोगों के बीच जो वो लोग इधर आते हैं प्रार्थना करते हैं? आप लोगों को ये पता है कुछ दिन पहले रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम के बीच एक मतलब जो बहुत सारा दंगा लड़ाई हुआ था। लेकिन हम लोगों के जो देश तथा राज्य में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकता में विश्वास रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अभी भी हिंदू मुस्लिम अपनापन रखते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं उधर बहुत सारे हिंदू लोग भी आते हैं। इन लोगों का कहना है बहुत सारे ज़्यादातर हिंदू लोग भी आते हैं कि अपना मन्नत पूरी करने, कुछ मांगने। उन लोगों का क्या आस्था है, वो लोग आखिर क्यों आते हैं, ये मज़ार क्यों आते हैं, पीर बाबा का मज़ार क्यों आते हैं, वो लोग क्या अपनापन से आते हैं, क्यों आते हैं? आइए उन्हीं लोगों से पूछते हैं और उन्हीं लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की कुछ मन्नतें पूरी हुई है या वो लोग क्या मांगते हैं, क्या आस्था रखते हैं इस चीज़ों पर। आप इधर मज़ार में आए, हम देखे कि आप इधर मज़ार में दुआ मांग रहे हैं, आप बोले आप एक हिंदू है, तो ये क्या बिलीव रखते हैं आप? क्योंकि ज़्यादातर ये मुस्लिम का जगह है, ये सबको पता है कि ये हिंदू मुस्लिम बनाने वाले एक ही है, सिंपल एज दैट। जो क्रिश्चियन है वो भी अल्लाह भगवान और जीसस या जो भी बोलते हैं कि गुरुद्वारा में जो जाता है, भगवान एक ही है। आई डू बिलीव इन दैट वे। তো ফ্যামিলির জন্য দোয়া মাংতে চাই ভগবানের কাছে, ভগবান সবার কাছে এক, আমার আমার কাছে অন্তত এক। আমি অনেকের কাছে দেখেছি যেখানে চাইলে অনেক কিছু মুরাদ পূর্ণ হয়েছে, অনেকের আশা পূর্ণ হয়েছে, সেটা যেটা চাইছি সেটা তো বলা যাবে না, বাট তো হয়েছে, আমার অনেক কিছুই হয়েছে। তো ইট ইজ জাস্ট আ বিলিভ, যেখান দিয়ে যখন আসি আসা যাওয়া করি তো বাবার কাছে মাথা ঠেকে যাই, মাথা ঠেকে তো পারি না, কেন হয়তো আমি ননভেজ খেয়েছি, কেন হয়তো ওয়াশরুমে গেছি, তো এখানকার নিয়ম আছে যেটা, সেটা বাইরে থেকে যতটুকু বলা যেতে পারে, বাস দ্যাটস ইট। আরেকটা কথা হচ্ছে এখন রমজান মহিনা চল রা হ্যায় তো আবি উসকে উপর আপকা কিয়া বিলিভ হ্যায় কি উসকা ভি কোই মান। সি আই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট রমজান, রমজান ইজ সিম্পলি আ ফাস্টিং, এন্ড আমিও আমার বাড়িতেও পুজো টুজো হয়, আমিও ফাস্টিং রাখি। আই হ্যাভ মেনি মুসলিম ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ হিন্দু ফ্রেন্ডস, সবাই ফাস্টিং করে। আমার মনে হয় আই শুড রেসপেক্ট এভরিথিং। এক আঙ্কেল মিলে আইয়ে উনসে পুছতে, আঙ্কেল আপনার নাম কি? এমডি মোহাম্মদ আইয়ুব। আপ ইয়ে বতাইয়ে, আপ এক মুসলিম হ্যায় ঠিক হ্যায় লেকিন জ্যাদাতর আপ দেখেঙ্গে, আপ শায়দ আতে হোঙ্গে ইধার, জ্যাদাতর হিন্দু লোক, মারওয়াড়ি লোক, বাঙালি লোক বহুত আতে হ্যায়। আপকো ক্যা লাগতে হ্যায় উন লোগোঁ কো ক্যা মাননা হ্যায়, ক্যা আস্থা লেকে ও লোগ আতে হ্যায়? ইয়াহাঁ পর হি আতে হ্যায় বাবা কা ঘর মে, আপকা জো পরেশানি হ্যায় এই সব কা লেকে আতে হ্যায় বাবা কা পাস। तो ज़्यादा इस टाइम आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम लेके बहुत भेदाभेद चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको क्या मानना है, क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर देखिए हिंदू मुस्लिम सब तो एक ही है, समझ रहे हैं, उससे यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। हिंदू बोलिए, चाहे मुस्लिम बोलिए, चाहे सिख बोलिए, चाहे ईसाई बोलिए, यहाँ सब मिली जुली भाई भाई है। तो उन लोगों की कुछ दुआ पूरी होती है शायद, इसलिए वो लोग आते हैं यहाँ पर ही आते हैं। ये जो बाबा जो है बहुत जागृत पीर है, इनका हो गया आपका 263 बरस। ये आपका जो ये यहाँ पर इधर पकड़ लेता हम, यहाँ मिनिमम आपका 35 इयर्स है। अंकल आपका नाम क्या हुआ?
अनिल कुमार यादव। आप एक हिंदू है, ये मुसलमान की आस्था की जगह, आपको क्या लगता है कि आप एक हिंदुओं की तरह आते हैं तो आपका कुछ मन्नतें पूरी होती है? मन्नतें देखिए स्वार्थ में कोई काम नहीं होता है, हम रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, देखिए भगवान का मूर्ति है तो मन्नत पूरी हुआ नहीं हुआ तो नहीं, मतलब दिल से तो कुछ मांगते होंगे ना? ना अब क्या मांगेगा, मानता नहीं है। नमस्ते, मानते हैं? हाँ मानते हैं। और अभी मुसलमान का रमजान महीना भी चल रहा है, अब उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि उसका भी कुछ आस्था है? तो अलग अलग भाई कौम है, अलग अलग अपना अपना त्यौहार है। आपको क्या लगता है अभी जो हिंदू मुस्लिम का ये चल रहा है, राजनीति चल रहा है, धर्म वो तो बेकार चल रहा है, आपको क्या लगता है? मिलजुल के, हाँ मिलजुल के रहना ही उचित है, यही मांग है, समय का मांग है। आप कब से आते हैं यहाँ? तो हम 10 साल से इस रास्ते से क्रॉस करते हैं तो आते हैं।